हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं सोच रहा था कि ये व्लॉग को स्टार्ट कैसे करें, क्योंकि जनरली क्या होता है कि मैं कोई भी वीडियो जस्ट मुंह उठाता हूँ और बोलने लगता हूँ तो इस बार मैं थोड़ा प्लान कर रहा था कि मैं कैसे बोलूँ, कैसे शुरुआत करूँ, क्या बोलूँ, बट फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने कहा एक काम करते हैं, अपना पैटर्न ही यही है कि उठाया कैमरा एंड बोलने लगे। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। सो आज बहुत कुछ करने वाले हम लोग। बेसिकली मैं घूमने जा रहा हूँ और मेरे साथ में मेरी बहन भी जाने वाली है। ये इसको ले जाने का पॉइंट, एक्चुअली इसको ले जाने के क्या कि इसी की वजह से घूमने जा रहे हैं, क्योंकि इसने एक बकरी खरीदी है। इसकी बकरी मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर, ये स्कूटी है वो। ओके, स्कूटी है। हम लोग इसकी स्कूटी को पूरी फैमिली वाले बकरी बोलते हैं। इसकी बकरी आई है नई, बट इसको वो चलाना बहुत अच्छे से नहीं आता, तो इसको चलाना भी सीखना था। हम लोगों ने प्लान किया कि चल ठीक है, तेरी बकरी भी तेरे को सिखा देंगे। और तो तुझे तेरी बकरी भी चलाना सिखा देंगे अच्छे से। मतलब उसको आती है, ये चला लेती है। मतलब इसको चलाना आती है, बट इसकी बकरी क्या, जब बड़े बड़े शेर आ जाते हैं ना तो ये घबरा जाती है। ऐसा लगा मेरा मजाक। अभी हम यहाँ से चलते हैं। हम लोग निकलने की तैयारी में हैं और ये नेल पेंट लगाने लग गए। मैडम नेल पेंट, कोई पैर नहीं देखने वाला तुम्हारे। चलो ये दिखा देते हैं आपको। ये इसने बनाया है आर्ट वर्क, अगर आप चाहें तो ऐसा बनवा सकते हैं इससे। ये भी इसको, चलो मैडम चल दें, बकरी को निकाल दो बाहर। चाबी तो दो भाई, चाबी दो। गेट कौन खोलेगा? गेट खोल देते हैं, रुक जाओ। चलो चलते हैं। भाई मौसम तो बढ़िया हो रखा है, बादल बादल छाए हुए हैं, धूप कम है। और ये अपना घर। ये आधा सफ़र हो चुका है और हमने थोड़ी देर गाड़ी इधर रोकी। सो गाइस, आधा सफ़र पूरा हो चुका है। हम लोग बेसिकली जा रहे हैं भोजपुर। भोजपुर बहुत ज़्यादा कॉमन है वैसे भोपाल वालों के लिए, क्योंकि बट हमारे घर के पास में ही था। थोड़ा सा सफ़र पूरा हो चुका है, चलते हैं यहाँ से। ये आप देख रहे हैं मिडवे ट्रीट भोजपुर लिखा हुआ है और 4 किलोमीटर है यहाँ से, अंदर जाना पड़ेगा। और हम लोग लगभग पहुँच चुके हैं, ये भोजपुर के आसपास का थोड़ा गांव है। मतलब अभी तो यहाँ से भी 4 किलोमीटर दूर है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमने थोड़ी गाड़ी रोक दी है और यहाँ अभी थोड़े कुछ फोटोज क्लिक कराएंगे। अच्छा सीन्स दिख रहे हैं। यहाँ हम फोटो करने वाले थे, लेकिन मैडम तो यहाँ पूरा तैयार ही होने लगी। इसने अपना पूरा मेकअप वेकअप किट विट निकाल ली। तो ऐसा मेकअप किट लेके चलते हो क्या तुम लोग? ए बच्चों, बच्चे नहीं है ठीक है, बच्चे मेकअप किट लेके चल रहे। ओके चलो आगे चलते हैं यहाँ सर। और जस्ट थोड़ा पीछे हमारा भोजपुर मंदिर आने वाला है, लेट्स गो। यहाँ पर हम लोग थोड़ा रुके हैं, इधर कुछ फोटोज ली, थोड़ी सी रील्स बनाई और थोड़ा सा एक्सप्लोर किया, मस्त है। विजुअल्स काफी अच्छे हैं, बेसिकली यहाँ पर एकदम सिनेमैटिक शॉट्स आ रहे हैं और काफी अच्छा लग रहा है। सीनरिक ब्यूटी है, नेचर है, शांति है। यहाँ से भी हम लोग थोड़ी देर में चलने वाले हैं बस। शाहरुख खान, हाय हाय। वो चले यहाँ से, हो गया इधर का लगभग। वो सही फोटो से भी खिंचवा रही है। चलो धूप काफी बढ़ चुकी है और हम अभी सहारा डेजर्ट में हैं और पानी की तलाश में हैं।
और हमें पूरा दिन भर हो गया है, आज सुबह से कुछ नहीं खाया है। अब देखते हैं, हम चींटियों के अंडे तलाश रहे हैं कि अगर चींटियों के अंडे मिले क्या। अच्छा, डायनासोर के अंडे मिले। अगर चींटियों के अंडे भी मिल जाए तो आज का गुजारा तो हमारा हो ही जाएगा। ओह, मिल गए मिल गए मिल गए, यहाँ पर चींटियों के अंडे हैं, यहाँ पर अंडे हैं, यहाँ पर अंडे मुझे मिल रहे हैं, मुझे दिख रहे हैं। ओके, नहीं था, सॉरी, माफ करिए। चलो अभी यहाँ से चलते हैं दोस्तों और चला जाए। ओह, गाड़ी मिल गई हमें, वाह, गाड़ी मिल गई, वो भी चाबी के साथ गाड़ी मिल गई है दोस्तों। अब हम यहाँ से जा रहे हैं, चलो जल्दी, किसी की गाड़ी मिल चुकी है, चलो। फाइनली हमें मंदिर दिखाई दिया। तो भैया ये है भोजपुर मंदिर भगवान शिव का, और अब हम यहाँ जाने वाले हैं। चले चलो, लेट्स गो। हम लोग भोजपुर मंदिर पर आ चुके हैं, अब देखते हैं कैसा है। मेरे बाल खराब हो गए, ये फर्स्ट टाइम आई है तो देखो। वैसे हमें जैसा हम लोग सुबह निकले थे बिल्कुल भी गर्मी नहीं थी, बट अभी काफ़ी गर्मी हो चुकी है, धूप हो चुकी है। और बेसिकली गर्मी या धूप इतनी हो ना हो, बट जब आप ट्रैवल करते हो तो आपको काफ़ी गर्मी लगती भी है बेसिकली। ले ली अम्मा प्रसाद, ले ली है। यहाँ पर काफ़ी सारी लोकल शॉप्स बनी हुई है, दुकान के इधर से होते हुए चलेंगे, शॉप्स ही शॉप्स हैं यहाँ पर। अब यहाँ से एंट्री होती है मंकी, कहाँ है? अच्छा, हाँ, ओह वाओ, नाइस गाय। काफ़ी सारे बंदर ही बंदर हैं। और चलो डांस करो, ढोल बज गया, डांस करो। तो भैया मैडम ने जो है अपना वो निकाल दी जैकेट, पानी वानी पी लिया है। चेन नहीं लग रही, लगेगी लगेगी, कोई दिक्कत नहीं। फाइनली हम लोग यहाँ से अब थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे। बस काफ़ी ज़्यादा टाइम है कि मैं पिक्स और ये सब खींच लूँ, क्योंकि वो अभी चले गए, वरना फिर वो अपनी सारी पिक्स खींच रहे थे। क्या हो गया, बैग टूट गया? ना, एक स्लिंग टूट गई है बेचारे। ओके, अच्छी बात है, चलो यहाँ से। ब्रो कहाँ चल दिए? अरे चलो यार, वो चलना, चलो यहाँ से भी अभी नीचे जाएंगे। अभी काफी थकान हो चुकी है तो थोड़ा बैठेंगे, आराम करेंगे, पानी वानी पियेंगे, और फिर उसके बाद बहुत सारी प्यास लग रही है, मैं बहुत जोर की प्यास लग रही है। बहुत सारी प्यास क्या होती है? बहुत जोर की प्यास लग रही है। जब से घर से निकले हैं तब से थोड़ा भी सुकून नहीं मिला, अब थोड़ी सुकून की तलाश में घर से बाहर भटक रहे हैं।
बट ऐसा कि मतलब कुछ हुआ था जिस वजह से वहाँ के बंदर खड़े होकर चलने लगे, तो उनकी वजह से हम जितने हैं वो खड़े होकर चलते हैं और बाकियों को जरूरत नहीं पड़ी इसलिए वो खड़े होकर नहीं चले। हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। कितने पैसे दो इस ज्ञान के? क्या इस ज्ञान के? दे दे 1-2 हज़ार रुपए तो कम। पैसा ही पैसा हो गया। चिल्ला रहे मेरे पास। ये लोग आ गए हमारे बहुत करीब हमारे, अब मुझे लग रहा है कि ये या तो रोशनी को लपाड़ा मारेंगे या मोबाइल छीन के भागेंगे। क्या प्ला? ए रोशनी मत कर, लपाड़ा पड़ेगा। पट पट वो पिक्चर नहीं देखी तूने? देख रही है कितना पूरे, लेकिन आप नहीं लो। अरे यार मेरे को नहीं है, कल मेरे को सब कुछ ठीक है। मैं अब क्या, अब तो गए, अब तो गया हाथ में प्रसाद। मिल गई भाई को अपने। अब चलते हैं थोड़ा और आगे। क्या चल रहा है इधर? पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है। ये आगे जाना नहीं चाह रही थी क्योंकि इसे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वीराने में आ चुके हैं, कुछ भी नहीं। मुझे नहीं आता ये सब करना। टिकटॉकर चल, टिकटॉकर। अब मैं आ जाऊंगा भाई। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। भी यहां तक आ चुके हैं और बस आज का हमारा सफर थोड़ा ही और बचा हुआ है कि अब हम यहाँ करें और रिटर्न होंगे यहाँ से। क्या हो गया? चले, हमारा सामान रखा हुआ है, ये देखिए कैसा टेढ़ा मेढ़ा हो रखा है ये। सो गाइज व्लॉग यहीं ख़त्म हो रहा है क्योंकि कुछ लेकर के आए थे खाने को, मस्त पराठे थे और वो सब सब्जी वब्जी थी, तभी बंदर आ गया। एक निवाला नहीं गया मेरे मुंह में, एक निवाला, पर चला गया, पूरा छीन के ले गया मुझसे और मेरी हालत खराब हो गई भाई। मैं डिप्रेशन में आ गया कि भाई पूरा ले गया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा, कम से कम इतना सा तो खा लेना देता। क्या केचप के साथ ले गया? हाँ। कुछ भी नहीं बचा हमारे पास और अब हम जा रहे हैं यहाँ से कि ठीक है अब कोई बात नहीं। गोरिल्ला हाँ बोलते ना इसको। ओ गाइस व्लॉग खत्म, टाटा बाय बाय। अब हम जा रहे हैं, अब मिलेंगे किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चाचा भी मिल गए सुबह जो दिखे थे।